नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे अब तक विधायक सेगमेंट में बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिले में आता है। वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भावना झा विधायक निर्वाचित हुई थी। भावना झा कांग्रेस पार्टी से थी और उन्होंने इस चुनाव में 55,978 वोट हासिल किए थे। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार विनोद नारायण झा थे। विनोद नारायण झा भाजपा के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। उन्हें इस चुनाव में 51,244 वोट हासिल हुए थे। दोनों उम्मीदवारों के वोटों का अंतर 4,734 रहा। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को यदि हम देखें तो इस चुनाव में विनोद नारायण का कब्जा रहा। विनोद नारायण भाजपा के टिकट से इस चुनाव में खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी महेश चंद्र सिंह को शिकस्त दिया था। महेंद्र सिंह लोजपा के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। अगर हम बात करें वर्ष 2005 के चुनावी परिणामों की तो इस चुनावी साल में अक्टूबर 2005 में शलिग्राम यादव विधायक निर्वाचित हुए। वे जदयू के टिकट से थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार योगेश्वर झा को शिकस्त दी थी। योगेश्वर झा कांग्रेस के टिकट से खड़े हुए थे। फरवरी 2005 के चुनाव परिणाम की बात की जाए तो योगेश्वर झा ने शलिग्राम यादव को शिकस्त दिया था। योगेश्वर झा कांग्रेस उम्मीदवार ही थे, लेकिन शलिग्राम यादव निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में रामाशीष यादव विधायक हुए थे। वे जदयू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार शलिग्राम यादव राजद के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। वर्ष 1995 के चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें तो इस चुनावी साल में निर्दलीय उम्मीदवार शलिग्राम यादव ने जेडी के रामाशीष यादव को शिकस्त दी थी। वहीं वर्ष 1990 के चुनावी साल को देखा जाए तो इस चुनावी साल में योगेश्वर झा विधायक निर्वाचित हुए थे। वे कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। शलिग्राम यादव विधायक के इस रेस में पीछे रह गए। वे इस वर्ष जेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्षेत्र के विकास कार्यों की यदि बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। सिविल कोर्ट शुरू हुआ है। तालाबों पर घाटों का निर्माण किया गया है। गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। 64 सड़कों से 112 गांवों को जोड़ा गया है। पुल का निर्माण, अग्निशमन केंद्र की स्थापना, पावर ग्रिड निर्माण किया गया है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस क्षेत्र का मुख्य मुद्दा सुखाड़ और बाढ़ है, जिससे लोग त्रस्त है। अस्पताल और कुछ जर्जर सड़कें मुख्य मुद्दा है। भगवती का सिद्धपीठ है, लेकिन अब तक इसे पर्यटन के तौर पर विकसित नहीं किया गया है, जो बेहद अहम मुद्दा है। आज के अब तक विधायक सेगमेंट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।